World Islamic Network has lecture of world renowned scholars. Some of them are Allama Zeeshan Haider Jawadi from UAE, Professor Feroz Haider from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Vin, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Vin, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alaihi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. Telephone 377-3648-370-0308, fax 374-5144. तमाम हम्द, तमाम तारीफ उस बनाने वाले की नहीं है जिसने ये हसीन दुनिया बनाई, और हमारी हिदायत के लिए दूसरी दुनिया के लिए हमारे लिए वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ भेजीं कि जो हमें बुराइयों से बचाती रहीं और नेकियों की तबलीग करती रहीं। ये दौर साइंस का दौर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि इंसान खाक पर रहकर अफलाक के ख्वाब देखने लगा। बहुत सी नई चीज़ें पैदा हुईं। एक जो नई चीज़ पैदा हुई वो ये हुई कि हर पुरानी चीज़ को नए रूप, नए शेप में हमारे सामने लाया जाने लगा, और ये कहा गया कि ये बिल्कुल नई चीज़ है। इस दौर में जहाँ बहुत सी चीज़ें रुख बदल बदल के आ रही हैं, वहाँ कुछ आइडियोलॉजी जो पुराने ज़माने में दुनिया जानती थी अब नए रूप में आई है, और समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में अट्रैक्शन है वो है औरत का सब्जेक्ट। ये जितना कॉमन है उतना ही अहम है, और जितना अहम है उतना ही इसको आम बना दिया गया है। क्योंकि हमारे पूरब से जो आवाज़ उठती है एशिया से, उसको ये कह के दबा दिया जाता है कि ये लोग बैकवर्ड लोग हैं। हाँ, मगरिब से जो आवाज़, यूरोप और अमेरिका से जो आवाज़ें उठती हैं, उसके लिए आदमी पहले ही सोच के बैठ जाता है कि जैसे ये आसमान से उतरने वाला कोई कानून हो, आकाशवाणी हो या वही हो। इस तरह हमारी नई नस्लें यूरोप के विचारों से दबी चली जा रही हैं। हालांकि सोचना चाहिए कि जो कल के व्यापारियों के रूप में आकर एशिया पे हाकिम बन गए, उनके विचारों को बड़ी चेकिंग के साथ यहाँ बुलाना चाहिए। न जाने कौन सी बात वो किस रूप में कहें जिसका रिजल्ट आगे चल के बहुत ज़्यादा ख़राब हो। सबसे बड़ा ताना हर धर्म को, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, मुसलमान हो, जुदाइज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, इन सब का कल्चर एशियन कल्चर था। इसके अंदर औरत की एक रिस्पेक्ट थी, एक हद तक इज्जत थी। आज के इस दौर में हर चीज़ को यूरोप की अहनक से देखा जाने लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुल्म आज औरत पे होता है उस जुल्म का एहसास आज औरत को नहीं है। कल औरत पर जब एहसास जुल्म होता था
तो उसको ये बताया जाता था कि तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाए, उसे एहसास कमतरी का शिकार बनाया जाता था। कल उसकी इज्जत लूटी जाती थी ये कह के कि तुम नीच हो, बहुत ही पस्त हो, गिरी हुई हो। और आज उसी औरत की इज्जत के ऊपर डाका डाला जाता है ये कह के कि तुम बहुत ऊंची हो, लिहाजा इस डाके का कोई ख्याल मत करना। ये सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात ही है। कल औरत इसलिए करा नहीं सकती थी, आ नहीं ले सकती थी, वो समझती थी कि भगवान ने उसे इसी काम के लिए बनाया है। और आज आहों पर इसलिए हाथ रख दिया जाता है और दम घोट दिया जाता है कि हमने तुमको तरक्की दी है। लेकिन अगर औरत अपनी हिस्ट्री पर नज़र डाले कि मर्द जिसके पास शक्ति है, जिसके पास ताकत है, वो इस यूनिवर्स के अंदर एक हीरो की तरह उभरता है अपनी शक्ति, अपनी मैन पावर और ब्रेन पावर की बिना पर। अगर औरत एक नज़र डाले के इतिहास में उसके साथ क्या गुजरी, तो वो कदम फूंक फूंक के रखेगी कि आज जो कहीं जाल बिछाया जा रहा है उसे आज़ादी की दबा सुंघाई जा रही है कि तुम आज़ाद हो, हर चीज़ के लिए आज़ाद, उसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आप ये देखेंगे कि हज़ारों साल से जो औरत और मर्द के संबंध चले आ रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि जब आदमी जंगलों में नंगे फिरता था उस वक्त क्या हैसियत थी। मैं तो सिविलाइजेशन की तारीख आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि आप किसी मुल्क को भी आप देखिए, औरत की हैसियत हमें कहीं नज़र नहीं आती। चाइना जहाँ कन्फ्यूशस और बुद्धिज़्म की तालीम थी, वहाँ औरत के साथ कोई ख़ास इंसाफ नहीं होता था। ये जब 6 या 7 बरस की होती, इसके पैरों में लोहे के जूते पहना दिए जाते, फिज़िकल बिल्ड अच्छा खासा हो जाता था, जवान हो जाती थी चाइनीज़ गर्ल लड़कियाँ, मगर पैर छोटे छोटे हो जाते थे। हम अपने बचपन में कलकत्ते में देखते थे कि चाइना बूढ़ी औरतें बिचारी, जवान बूढ़ी तो हैं मगर पैर उनके छोटे छोटे हैं। क्या हुआ कि मर्द ये चाहता है कि औरत के पैर छोटे हों, तो लोहे के जूते पहना के उसको चलने फिरने से माजूर कर दिया जाता था, गोया अपने टेस्ट के खातिर ज़िंदगी भर उसकी रफ्तार और उसके चलने फिरने पे पैसे बिठा दिए जाते। ये मुमकिन है कि कोई धर्म के नाम से कोई इसके अंदर ट्रेडिशन हो, लेकिन हमने जो पूछा था तो ये कहा कि मर्द की जो है, मर्द ये चाहता है कि इसके पैर छोटे हों, अब इतने भी छोटे ना हों कि वो मालूम हो कि किसी और के पैर लगा दिए गए हैं। इस तरीके से उसे नजिस समझा जाता था, उसे घर से बावर्ची खाने से दूर रखा जाता था। उस पीरियड में उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा चाइना के बराबर में इंडिया, इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पर औरत के 2 रूप थे। एक तरफ उसे देवी बना के पूजा जाता था और एक तरफ उसको इतना कमज़ोर बना दिया था कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। शौहर के साथ उसके संबंध होते, शौहर मर जाता, दुनिया जानती है कि मर्द की चिता के ऊपर औरत को जला दिया जाता और एक जवान जिस्म जल के राख का ढेर हो जाता। इस जलते हुए जवान जिस्म के धुएं से ना धर्म को बुरा मालूम हुआ, ना पंडित को कोई बुरा मालूम हुआ, ये सब कुछ होता रहा और जवान जिस्म जलते रहे इस नाम के ऊपर कि ये अग्नि परीक्षा जो है ये सिर्फ आतिश मोहब्बत है कि बीवी ये नहीं चाहती कि शौहर के मरने के बाद वो जीवन बिताए, लिहाजा इस खुद सोजी और ख़ुद को जलाने का नाम प्रेम और मोहब्बत रखा गया कि पति की मोहब्बत में औरत अब जीना नहीं चाहती, वो उसी की चिता के ऊपर जल के मर जाना चाहती है। ये आम बात थी, मगर समझ में नहीं आता कि मोहब्बत की आग तो दोनों तरफ भड़कती है। अगर हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों जिस्म जल गए प्रेम की अग्नि के ऊपर, प्रेम की चिता के ऊपर, और करोड़ों लड़कियां जल के सती बन गई, तो कभी ऐसे भी तो हुआ होगा कि पत्नी मर गई हो और पत्नी की चिता के ऊपर कोई पति जल के सता हो गया हो, तो ये आग मोहब्बत की एक ही तरफ क्यों भड़की?
कि औरत ही के जिस्म जलते रहे और मर्द के जिस्म पर आंच तक नहीं आई। हकीकत यह थी कि पति के मर जाने के बाद एक विधवा एक डायन थी, एक मुसीबत थी, एक ऐसी जिंदगी और जीवन थी कि जिसका साया किसी पर नहीं पड़ना चाहिए था। उसके बाल काट दिए जाते, नया लिबास पहनने का उसे अधिकार न था, किसी की शादी में वो शिरकत नहीं कर सकती थी, किसी के बच्चे को गोद में नहीं ले सकती थी। तो ये तंज था, टाउन था कि हर रोज के जलने से बेहतर यह है कि एक ही मरतबा जल के अपने जीवन को खाक बना दें। इसको अगर आप मोहब्बत का नाम दे सकें तो मोहब्बत का नाम दीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि इतना बड़ा जुल्म होता रहा ये इतिहास में, और किसी चीज़ का खुद ब खुद मिट जाना इस बात की दलील है कि इस संसार में अच्छी बातें रह जाती हैं और बुरी बातें खुद ब खुद मिट जाती हैं। यह रस्म आज मिट गई, मिटाई भी गई। मर्ग कभी कभी जिस तरह दबी हुई राख के नीचे शोले निकल पड़ते हैं, इसी तरह धर्म की राख के अंदर कभी कभी ऐसी चिंगारियां पैदा होती हैं और आवाज़ें उठने लगती हैं कि हमें फिर उसी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। लिहाजा हिंदुस्तान जैसे पवित्र मुल्क में कि जिसकी धरती के ऊपर अहिंसा के नगमे और अहिंसा की बंसरी बजती रही, वहाँ पर औरत के कराहों को किसी ने नहीं सुना। जानवरों को बचाने के लिए कानून बनते रहे मगर इंसानों के जीवन की सुरक्षा के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। हाँ, दूसरी तरफ ये भी है कि सीता सरस्वती की पूजा भी होती रही, तो किसी के ऊपर जुल्म ढाने के दो तरीके हैं, एक तो उसे हद से ज़्यादा बढ़ा दीजिए, एक हद से ज़्यादा गिरा दीजिए। एक तरफ औरत को भगवान बना के पूजा करने लगी है और एक तरफ उसको मिट्टी से बुरी चीज़ समझ के उसकी तौहीन कर दीजिए। किसी चीज़ के साथ इंसाफ वही होता है कि भगवान ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया है उसी पॉइंट पर रखिए। औरत का मर्द हो जाना कोई खूबी की बात नहीं है, औरत का भगवान बन जाना भी कोई खूबी की बात नहीं है, औरत को जानवर बना देना भी कोई खूबी की बात नहीं है। औरत औरत रहे और अपने सर्किल में डेवलप कर मेंट होना चाहिए। अगर आप उसका जेंडर चेंज कर देंगे उसको, तो उसके साथ वो कोई अन्याय नहीं होगा। तो इंसान इंसान बना रहे, मर्द मर्द रहे और औरत औरत रहे। इन दोनों की शेप एंड साइज अलग अलग हैं, इनके शेप और साइज का अलग होना ही इनके दो अलग अलग ड्यूटीज बयान की जा रही हैं। तो लिहाजा इसको सामने रखा जाए कि नेचर ने जिसको जिस डिज़ाइन का बनाया है उसका मकसद क्या है। तो जिस तरह चीन में, चाइना में और इंडिया में ये जुल्म होता रहा, ईरान भी कोई कम पीछे नहीं रहा। मजदक का फलसफा बड़ा भयानक था और मजदक ने एक नई बात कही थी, आपने सुना होगा कि कम्युनिज्म के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन ये ईरान का वो फलसफर था कि जिसने औरत को बराबर बांट दिया था। वो कहता है कि जुल्म दौलत के बिना पर होता है, औरत के बिना पर होता है, तो दौलत को भी बराबर बांट दो, औरत को भी बराबर बांट दो। औरत सिर्फ एक ही रूप रखती है और वो है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। लिहाजा औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक बहता हुआ दरिया हो कि जो भी प्यासा आए उससे प्यास बुझा ले। सदियों तक मजदक के फलसफे को ईरान में जगह मिलती गई, फिर ये कानून दबता चला गया, जिसके रिजल्ट निकलने आई हैं कि जहाँ औरत औरत नजर ना आए, ना वो माँ ना बेटी ना बहन कुछ नहीं, सिर्फ एक औरत औरत है और उसका एक ही रूप है कि मर्द अपनी आग बुझा सके और प्यास बुझा सके। ईरान के बराबर में अरब था, वहाँ जुल्म की एक ऐसी शक्ल है कि जो जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में जितना भी जराइम क्राइम, गुंडे बदमाश लूट मार टेररिज्म
इन सब के पीछे अगर देखें तो हर आदमी ये कहता कि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अरब वो कौम थी जो अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने शरीर के हिस्सों को जमीन में दफन कर दिया करती थी कि ये बेटी, ये जवान हो और इसका कोई शौहर हो, पति हो और हम वो दामाद बन के सामने आए। अरब की ये जाहिलाना गैरत, ये गैरत अलग चीज होती है, लेकिन जब गैरत और जाहिलात एक जगह जमा हो जाए तो अब इसका कोई इलाज नहीं होता। लिहाजा औरत के जिस्म के ऊपर रेगजारों के अंदर इसकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था, और वही बाप अपनी बेटी को जमीन में दफन करके समाज में इज्जत पाता था, उसका एक वक़ार था, उसकी हैसियत थी कि बेटी को दफन कर दिया। आपको मालूम है कि अरबों की तारीख बड़ी डरावनी तारीख है। ठीक है, ये बड़े मेहमान नवाज थे, मोहब्बत करते थे मेहमानों से, एक अलग बात है, मगर उतनी ही इनकी नफरतें मशहूर हैं। लिहाजा घिनौनी बातें यही थीं कि बाप के मरने के बाद जब उसके घरों के अंदर औरतें होती थीं, जो बीवियाँ होती थीं, वो बेटे कब्जा कर लिया करते थे उनके ऊपर। तो ये दुनिया के दो काम ऐसे हैं कि बेटा सौतेली माँ को बीवी बना ले और जिगर के टुकड़ों को ज़मीन में दफन कर दें, इससे बढ़कर घिनौनी बात क्या होगी। ये इस्लाम से पहले के दुनिया के रूप हैं। जब इस्लाम आया तो औरत की हैसियत क्या थी, चाइना में, इंडिया में और आपके ये एशिया के अंदर, रशिया के इलाके के अंदर क्या था इसके अंदर। वो समझते थे कि जब तक कि लड़कियों का खून इकट्ठा करके हम खेतों में नहीं छिड़केंगे, जब तक ये आबादी नहीं होगी। हमने देखा कि पेड़ भरने के लिए जिंदगियों को निचोड़ा जाने लगा और इनके लहू से पेट की आग बुझाई जाने लगी। ये एशिया का हिस्सा था, बस थे एशिया। अरब के बराबर में सैदा, सूर, तराबलस, सीरिया का इलाका, ये वो था कि जहाँ पर बड़े बड़े सरदार लड़कियों को हाईवे पे बिठा दिया करते थे। पानी की सबीलें आपने सड़कों पे लगी हुई देखी होंगी, जिंदगी की सबीलें लगती हुई कभी नहीं देखी होंगी, कि जो भी मुसाफिर गुजरे वो प्यास बुझाता हुआ चला जाए। सीरिया के अंदर दो बुत थे, लूलू अश्तरूत, उनको खून से गुस्ल दिया जाता था। नहाने की ज़रूरत तो सबको पड़ती है, इंसान को भी, भगवान को भी, इंसान पानी से नहाता है। ये लूलू और अश्तरूत ये खून से नहाते थे, और वो भी जो ट्राइब की जो खूबसूरत लड़कियां होती थीं उनका खून लेके लकड़ी के इन बुतों के ऊपर खून से इसको नहलाया जाता था। सदियों तक औरत का लहू पत्थरों और लकड़ियों के देवताओं की जीनत बनता रहा। मिस्र के अंदर, सीरिया के बाद मिस्र आता है। मिस्र में देखेंगे कि वो नाइल रिवर जब उसमें फ्लड आता था, दूर दूर तक पानी फैल जाता था सैलाब का, ज्वार भाटा का, तो उससे ज़मीन जरखेज होती थी, उससे आबादी होती थी। लेकिन हर साल अच्छी खूबसूरत लड़कियों को नील के घाट पर ला के ज़बह कर दिया जाता। वो कहते हैं कि नील देवता जब ही खुश होगा कि जब इसका खून वो कबूल कर लेगा। ये दुनिया की वो सिविलाइजेशन है कि जिनके ऊपर नाज है उनको, और औरत की तारीख इसके साथ साथ चलती है। यूनान, ग्रीक, वो ये समझते थे कि दुनिया में जितनी मुसीबतें आती हैं, जलजला, आंधी, तूफान, प्लेग, जंग, ये सिर्फ इसलिए कि आकाश के ऊपर एक औरत बैठी है, पेंडोरा, वो अजाब की एक औरत है, उसकी वजह से, पेंडोरा की वजह से दुनिया में ये मुसीबतें आती हैं। तो जब कभी जंग छिड़ती, मुसीबतें आती, प्लेग फैलता, जलजले आते, तो औरतों को कत्ल किया जाता था कि इनको कत्ल कर दो ताकि पेंडोरा से इंतकाम लिया जा सके। तुम्हें समझते थे कि पेंडोरा की ये बेटियां हैं जो ज़मीन के ऊपर आके दुनिया में मुसीबतें नाजिल करती हैं, और ये सारी मुसीबतें हमारे सामने आती हैं। फिर जब ये ग्रीक सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ, रोमन एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ, तो उनका ये ख्याल हुआ कि
आसमान पे एफ्रोडाइट है, वो आसमान से उतरती है और यहाँ दुनिया वालों से उसके रिलेशन है। तो आप ये देखेंगे कि पूरे संसार का जो इतिहास उठा के सामने रखें, कहीं जलाई जाती रही, कहीं दबाई जाती रही, कहीं बहाई जाती रही और कहीं इस पर बोलियाँ लगती रहीं, ये था इतिहास तारीफ। अब आया ये सिविलाइजेशन का पीरियड, एटॉमिक पीरियड, यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर। इन्होंने कहा कि औरत पर जुल्म होता चला आ रहा है कि हम इसको इंसाफ बरतेंगे, इसको आज़ादी देंगे, ये बुरखे में रहती है, चार दीवारी में रहती है, पर्दे में रहती है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें की गई और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि आप कोई मरीज जो दवा खा रहा हो और उसको परहेज बता दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि हम एक ऐसी दवा देंगे कि तुम बिल्कुल रोज़ाना चिकन खाया करोगे और पुलाव खाया करोगे और खूब शुगर खाया करोगे, सर मरीज़ के मुंह में पानी आने लगता है। किसी बच्चे से ये कहो कि क्या सिस्टम है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने जाते हो, हमें कैसे तुम्हारे हॉस्टल में ले जाएंगे जहाँ गेम्स होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, चॉकलेट होगी, टेकल टॉफी लाइफ होगी, सुबह से लेकर शाम तक, ये भी कोई ज़िंदगी है सुबह से लेकर शाम तक, स्टडी स्टडी स्टडी, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। तो हर बच्चा मुस्कुराने लगेगा, हम भी ऐसे ही हॉस्टल में जाएंगे। बस जिस तरह बच्चे या मरीज परहेज से घबरा के कहते हैं, इसी तरह औरत भी मर्दों की ज़िंदगी को देख के कहती है हम भी ऐसे ही घूमेंगे ऐसे मर्द घूमते हैं, हम भी ऐसे ही चलेंगे जैसे मर्द चलते हैं, हम भी ऐसे ही डिज़ाइन की लाइफ बयान करेंगे जैसे मर्द करते हैं। ये कम्प्लेक्स था औरत का। अगर औरत का कम्प्लेक्स ना होता और आज़ादी दी जाती तो हम लोग जब देखते कि कोई मर्द साड़ी पहन के चला जा रहा है, क्या हुआ, इक्वलिटी हो गई, अब हम बराबरी होंगे। कोई शलवार पहने चला जा रहा है, कोई दुपट्टा पहनने जा रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है। मर्द आज तक कोई औरत का ड्रेस पहनने के लिए तैयार नहीं है, औरतें मर्दों का ड्रेस जीन्स में जड़ी हुई, बॉय कट बनी हुई, ये मर्दों की जो एक्टिंग आपने शुरू की ये खुद कम्प्लेक्स है। आप औरत की इज्जत नहीं चाहती, मर्द के बराबरी चाहती हैं, दोनों में फ़र्क हो। औरत की रिस्पेक्ट के लिए तो दूसरी चीज़ें हैं, मर्द से मुकाबला करना ये है कम्प्लेक्स के, चूँकि मर्दों से मरूब हो गई हैं लिहाजा आप मर्दों का ड्रेस पहनना चाहती हैं। औरत का लिबास अगर मर्द पहनता तो हम समझते कि मर्द में रिवोल्यूशन आ गया, अब वो जुल्म नहीं ढाएगा, अब उसने दुपट्टा पहनना शुरू कर दिया, झुमका लगा लिया, नथ पहन के लड़के निकलने लगे, कानों के अंदर बुंदे लड़के पहन रहे हैं, क्या हुआ कि हमने आज तक जुल्म किया था औरतों पे, अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से औरत के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, लोगों बुंदे पहन लिए हमने, नाक पे उंगली रख के हम बात करने लगे। तो अगर ऐसा कल्चर हो जाए तो रिवोल्यूशन समझ में आएगा कि जालिम ने हथियार रख दिए, जालिम के हाथों में आज भी खिंची हुई तलवार है, वो जिसकी गर्दन काटता है वो एक्टिंग करने लगा कि हम मर नहीं रहे, हम जिंदा हो रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि ये इंसाफ कहाँ से हुआ, ये वुमेन लिब और वो भी अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कल्चर और वो औरत को आज़ादी। आप ज़रा जाके देखिए कि किस अंदाज की आज़ादी है। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए यूरोप की बर्फ़ छानते हुए, यानी जब इंडिया में था तो खाक छानता था, जब वहाँ गया तो बर्फ़ छानने लगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। वहाँ सब कुछ मिल गया औरत को, जॉब मिल गया, बिजनेस मिल गया, कार मिल गई, घर उजड़ गया। तो घर को उजाड़ की अगर औरत सोचती है कि मेरी कोई ज़िंदगी बन गई तो ये और बात है। इसलिए कि आज जो औरत अमेरिका के अंदर तैयार हो रही है, यूरोप के अंदर जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है औरत का, वो बहुत शानदार है। तुम भी जॉब करो, हम भी जॉब करते हैं, तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं, न तुम जिम्मेदारी बर्दाश्त करो न हम जिम्मेदारी बर्दाश्त करते हैं। एक मरतबा मैं लंदन से मैनचेस्टर जा रहा था ट्रेन में, मैंने सामने देखा कि एक कपल बैठा हुआ है, कुछ खेल रहे हैं गेम लीडो टाइप का। थोड़ी देर के बाद औरत ने अपना बड़ा सा पर्स खोला, उसके अंदर एक सैंडविच चिकन और हेल्दी किस्म का था, उसने खाना शुरू किया। मर्द बेचारा देखता रहा, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कोको कोला का एक टीन खोला, छोटा सा सैंडविच के अंदर सलाद का पत्ता रखा हुआ, उसने खाना शुरू किया।
मुझे हंसी आ गई, मैं अपने दोस्त से हंसा तो वो समझ गए कि ये हिंदुस्तानी आदमी हमारे ऊपर हंस रहा है। तो वो सहूलत ने कहा, हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा कि मैं कल्चर के फ़र्क को देख रहा हूँ। मैंने कहा हमारे यहाँ औरतें जब तक नहीं खाती, जब तक के बच्चे ना खा लें, हस्बैंड ना खा लें। कहा ये तो जुल्म है। मैंने कहा अगर मोहब्बत को जुल्म का नाम दे दिया जाए तो फिर इश्क किसका नाम है जो अपने आप को कुर्बान कर देता है फिर इसके अंदर? अगर आप इसको बेवकूफ़ी कहती हैं तो फिर प्यार मोहब्बत की दुनिया में कुछ नहीं। औरत मर्द खा के खुश होता है, औरत खिला के खुश होती है, दोनों के नेचर में फ़र्क समझा आपने? ये औरत वो है कि जो खा के खुश हो रही है। तो वहाँ के मुझे भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। मैंने कहा कि आपके सैंडविच का साइज़ ज़रा हेल्दी था, आपके हस्बैंड का जो सैंडविच था वो बहुत दुबला पतला था, जैसे हमारे इंडिया का बंगाल का कहत देख लिया हो उसने। तो वो हंस पड़ी कि ये बंगाल का कहत क्या? मैंने कहा कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो इतनी भूख मरी पैदा हुई कि एक एक सेर चावल के बदले में जिंदगियां बिकती रहीं। ये आपके पति का भी सैंडविच ऐसे ही है कि जैसे इसने कैलकटे की सैर कर ली हो। लेकिन नहीं, इसकी तनख्वाह, उसकी पगार बहुत कम है, लिहाजा ये घटिया लेता है, मेरी पगार बहुत अच्छी है, लिहाजा मैं अच्छे किस्म का सैंडविच लेती हूँ। तो अब वही कह रहा कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है? मैं कहा हमारे यहाँ औरतें शहजादियाँ घरों में ठार से बैठती हैं, खाती हैं, पकाती हैं, सोती रहती हैं बिल्कुल, और मर्द जो कमाता है। उन्होंने कहा यह जुल्म है कि मर्द कमाता है। मैं कहा यह भी जुल्म है कि औरत खाती है और मर्द देखता है। अगर इसके पास तनख्वाह ना मिले तो तुम उसे खिलाओगे नहीं उसमें। तो ये दो जिंदगियां तो एक साथ रह सकती हैं, मगर दो को बांध के एक जिंदगी आप नहीं कहला सकते। तुम्हारे यहाँ जिंदगी अलग अलग है, हमारे यहाँ जिंदगी दोनों को मिला के एक है। यही फर्क है हमारे कल्चर में और तुम्हारे कल्चर के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि औरत बन के तरक्की करे, मर्द बन के तरक्की करे। ये जब कॉम्प्लेक्स हो गया कि औरत मर्द बनने लगी और मर्द अपनी ड्यूटी से भागने लगा कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों फ्रीज दूँ, आधे ये फ्रीज के पैसे, आधा मैं, कारपेट आधी इसकी आधी मेरी, कार इसकी आधी मेरी, बंगला इसका, मॉर्गेज इसके नाम, मेरे नाम आधा आधा, ये इंसाफ तो नहीं हुआ। इसलिए कि बनाने वाले ने जो दोनों का डिज़ाइन अलग अलग बनाया तो आप समझते हैं कि बनाने वाला कोई अच्छा इंजीनियर नहीं था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे क्या बनाया जाए। इसलिए कि जब जीवन बनाया गया, जिंदगी बनाई गई, तो पर्पज़ ऑफ लाइफ पहले उसने तय किया होगा बनाने वाले ने। इसलिए कि बनाने वाला कोई कमज़ोर अकल का नहीं था, उसकी यूनिवर्स में एक एक चीज़ आइटम, अगर किसी एक चीज़ पे कोई रिसर्च कर ले तो वो स्कॉलर कहलाता है। तो जब उसके कारखाने की एक चीज़ के रिसर्च करने वाले को आप पढ़ा लिखा कहते हैं, तो जिसने पूरा यूनिवर्सल सिस्टम डिज़ाइन किया हो बग़ैर किसी के मशवरे से, वो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं होगा जितना यूरोप का साइंटिस्ट। अंदाज़ा लगाइए कि अगर उसने एक आँख बना दी तो आप आँख के डॉक्टर बन गए 25 बरस के अंदर, आई स्पेशलिस्ट। तो आप तो पढ़ लिख जाएं उसकी आँख के डिज़ाइन को समझने के बाद, और वो इतना भी ना पढ़ा लिखा कहलाए जितने आप, ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लिहाजा उसने जिस चीज को जिस अंदाज से बनाया है, एक इंजीनियर मकान बनाता है तो उसे चर्च बनाना है, टेंपल बनाना है, मस्जिद बनानी है, सिनेमा बनाना है, क्या बनाना है, स्कूल, कॉलेज, थिएटर, क्या चीज, वेयर हाउस, सबके डिजाइन बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है। तो इसी तरीके से जब उसने जिंदगी बनाई है तो जिंदगी का कोई ना कोई पर्पस तो होगा, एम और ऑब्जेक्ट तो होगा, डेस्टिनेशन तो होगा। या ये कि वो ऐसे बैठा हुआ बना रहा था, एक जिंदगी बन गई, ये क्या है, तो पता नहीं क्या है, चलो इसको जिंदगी दे दो। अच्छा चलो जिंदगी बन गई, क्या मकसद क्या है इसका? है कुछ नहीं, बस ऐसे फॉर नथिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे कोई आर्टिस्ट कलर मिलाता है कम्बिनेशन से एक बन गया। तो ऐसे ही आप समझते हैं कि एक आदमी भी मुख्तलिफ रंगें मिला के अल्लाह ने एक वक्त के कैनवस के ऊपर अपने इख्तदार और इल्म के बुरिश से अपने समझ के रंगों को मिला के एक जीवन बना दिया, उसको इंसान कहने लगे। उसका एक एम है, एक ऑब्जेक्ट है, एक मंशा है। तो जिंदगी का पर्पस क्या है ये मजहब जाने। इसलिए कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन
इंसान के साथ पैदा किया है, किस तरह तुम जीवन बिताओगे, इसके लिए यह कानून है, यह मजहब है, यह धर्म है। आप कहेंगे कि यह कानून बड़ा सख्त है, तो कानून पे चलाने वाला भी उसके साथ साथ भेजा, उसको आपको पैगंबर कह लीजिए, प्रॉफिट कह लीजिए, अवतार कह लीजिए, किसी भी रूप से कह लीजिए, ताकि इंसान ये ना कह सके कि कानून बड़ा सख्त था, हमसे प्रैक्टिस नहीं हो सकी। तो इसलिए कानून वाला जिस्म और शक्ति लेके आता है मैं इंसानों की तरह, और उस पर जीवन बताता है, ताकि कल को आप ये ना कह दें कि कानून बड़ा टफ रफ था, हमसे हो नहीं सका, तो उसने अमल करके बता दिया। तो एक तो हुआ पर्पस ऑफ लाइफ के जीवन का मंशा क्या है, इसको मजहब बताएगा। एक है जीवन चलता रहे, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो ये कंटिन्यूटी जो है कुदरत ने दो जिंदगियों को जोड़ के रखी, एक का नाम औरत रखा, एक का नाम मर्द रखा। ये अलग अलग थे, इन दोनों को कुदरत ने प्लस माइनस को एक जगह रखा और उससे एक रिजल्ट पैदा किया, उसका नाम जिंदगी। हम ये कह सकते हैं कि अगर खुदा चाहता तो मर्द से अकेले ये काम ले सकता था, या औरत ही से अकेले ये काम लेता। बायोलॉजी में अपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि अल्लाह ने ऐसी भी मखलूक बनाई हैं कि जिसमें फीमेल होती है, मेल नहीं होता। हम लोग भी ऐसे हैं कि मियाँ बीबी में ज़िंदगी भर मेल नहीं होता, बहुत सी ऐसी भी ज़िंदगी है। तो अगर ऐसा सिस्टम होता कि मर्द ही बच्चे पैदा किया करता, क्या परेशानी की बात, हेल्दी था, मजबूत था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मगर कुदरत ने एक सिस्टम रखा कि जो जिंदगी जन्म ले, वो जिंदगी के दो रूप होते हैं। एक तो ये कि इंस्टिंक्ट उसको गाइड करे, जैसे एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ के लिए किसी किताब की ज़रूरत, किसी रिलीजन की ज़रूरत, किसी पीर पैगंबर की ज़रूरत, किसी अवतार की ज़रूरत नहीं होती। ये एनिमल इंस्टिंक्ट उसको गाइड करती है। मेरे बच्चे, छोटे से बिल्ली का बच्चा, बहुत छोटा सा बेचारा, कि पानी में भीग गया था, नाली में पड़ा हुआ था, उसे उठा लाया, उसकी आंखें भी बंद थी, पता नहीं कहाँ उसके डैडी अम्मी कंबक चले गए होंगे उसे छोड़ छाड़ के। आदमी ही नहीं छोड़ते, जानवर भी छोड़ देते हैं, या छोड़ा दिया जाता है। उन्होंने उसको गर्म पानी से नहलाया, उसको स्प्रे जो था उसको किया, बच्चे ने दूध पिलाया, उसको अपने पास रखा, रजाई बिछौने में उसको रखा। मैं ये सोच रहा था कि ये बिल्ली का बच्चा जब बड़ा होगा बेचारा तो क्या बनेगा, न डैडी, न अम्मी, न स्कूल, न कोई इंस्ट्रक्टर, न कोई टीचर, न कोई मास्टर, न मैं करेगा, ना माँ करेगा। हो थोड़े दिनों के बाद तो वो बिल्कुल मियाँ कहने लगा, झपटने लगा, दौड़ने लगा, चूहों के पीछे दौड़ा, बिल्कुल वही अंदाज जो उसके बुजुर्गों था। अरे भाई, जब इसका कोई मास्टर नहीं है, पेरेंट नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो ये सारी खूबियाँ इसने सीखी कहाँ से? कहाँ, इन बच्चों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचर कंट्रोल करती है। पर नेचर रिमोट कंट्रोल से बच्चों को ज़िंदगी देती है, और इंस्टिंक्ट उसकी गाइडेंस के लिए काफ़ी है, इनकी हिदायत के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो एनिमल लाइफ के लिए कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, चाहे माँ हो या ना हो, बाप हो या ना हो, स्कूल हो या ना हो, उनकी इंस्टिंक्ट जब डेवलप होती है तो वो खुद ही अपनी ज़िंदगी चुन लेते हैं। ऐसी बिल्ली का बच्चा जिसने कभी माँ ना देखी हो, बाप ना देखा हो, हमने बहुत चाहा कि ये छोटा सा बिल्ली का बच्चा आलू खाने लगे, टमाटर खाने लगे, हो बिल्कुल उसने भूख हड़ताल कर दी, खाऊंगा तो वही खाऊंगा जो मेरे धर्म में मेरी मीनू लिखा हुआ, खुदा की लिखी हुई है। तो मालूम हुआ कि नेचर ने उसको कंट्रोल किया है। अब अगर इंसान भी ऐसे ही पैदा होता कि इंस्टिंक्ट को से कंट्रोल करती, अच्छी चीज़ें खाता, बुरी चीज़ें ना खाता, अच्छी चीज़ें देखता, जब बुरी चीज़ होती तो आँख खुद ब खुद शटर उसका बंद हो जाता, अच्छी चीज़ें सुनता, जब बुरी चीज़ें सुनता, किसी की बुराई या गीबत तो खुद ब खुद ये क्लोज हो जाते। तो अगर इंस्टिंक्ट कंट्रोल करती इंसान को तो क्या परेशानी थी। इस्लाम यहाँ पर ये कहता है कि ये संसार और उसकी सारी ये नेमतें जो तुमको दी हैं, ये पहली स्टेज है, पहली दुनिया है। इसमें जितनी भी नेमतें और गॉड गिफ्ट हैं वो सैंपल के तौर पे हैं। इस माल को यूज़ करो, बताओ अच्छी है या बुरी। हम एक और दुनिया है जो उससे ज़्यादा डेवलप है,
हम तुमको उस दुनिया में ले जाएंगे। ये दुनिया तो हमने बतौर गॉड गिफ्ट के दी है, ये गिफ्ट है जिसको हमारी जबान में कहते हैं ये अता है, गॉड गिफ्ट अता। अता जो बगैर किसी हक और राइट के मिले ये अता है। हमने कोई काम ना किया था, उसने चाहने वाली माँ, मोहब्बत करने वाला बाप, सुख देने वाली औरत, गोद को गर्मी देने वाले बच्चे, हर चीज कुदरत ने हमें दी। जीवन ये सांस का था, ये शबाब, ये जवानी, ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारी किसी खिदमत के रिजल्ट में नहीं दी थी कि हमने कोई वर्क किया हो, उसका कोई जॉब किया हो और उसके नतीजे में वो खुश हो के माँ दे दे, बाप दे दे, ये लो बीवी ले लो, ये बच्चे ले लो। ये सब कुछ मिला अता के तौर पर, गॉड गिफ्ट। वहां मिलेगा जजा के तौर पर, रिवार्ड। ये दुनिया सैंपल के तौर पर है, लो जवानी कैसी है, अच्छी है, पसंद आई कि पसंद ना आती तो बुढ़ापे में खिजाब क्यों लगाता। ये खिजाब लगाना बता रहा है कि जैसे बुढ़ापा जवानी को ढूंढ रहा हो कि अगर असली ना मिल सके तो नकली ही सही। ये प्लास्टिक के फूल क्यों लगा है कि जब बहारें रूट गई और फसल गुल चली गई तो हमने कागज के फूलों से दिल बहलाया है। इसके मानी है कि आज भी नजर ढूंढ रही है कि वो बहार मिले, बहार रफ्ता। लेकिन ये बहार तो नमूना था सैंपल के तौर पर, अगर तुम्हें परमानेंट बहार चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगी। इसलिए कि जब दुनिया परमानेंट नहीं है तो यहाँ गॉड की परमानेंट कैसे होगा। लिहाजा तुमको ये वहाँ मिलेगी, वहाँ की जवानी हमेशा हमेशा, वहाँ की बहारें हमेशा हमेशा, वहाँ के फल हमेशा हमेशा, यहाँ तो नमूने के तौर पर आपको दिया जा रहा है। तो मालूम हुआ ये दुनिया अता है, वो दुनिया जजा है। ये बगैर अमल के मिली है, इस दुनिया में अमल करो तो वहाँ मिलेगा। ये इस्लाम की थ्योरी इस दुनिया की और उस दुनिया की। तो लिहाजा अगर कुदरत रिमोट कंट्रोल से जीवन को सुधारती तो फिर रिवार्ड मिलने का क्या सवाल था। अगर कोई प्रिंसिपल खुद ही एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे का खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो फिर फेल या पास का क्या सवाल है, सबको पास कर दीजिए। तो इसी तरीके से चूंकि दुनिया में इंसान की परीक्षा नहीं होती और जो कुछ भी हो रहा है, जैसे जानवर हैं उनकी कोई परीक्षा नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है उसके अंदर, तो ये जानवर यहीं ख़त्म हो जाएंगे। इन जानवरों के लिए ना दोजख है, ना जन्नत ना है, ना पनिशमेंट है, ना रिवार्ड है, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने एक्टिविटीज़ की है अपनी समझ से नहीं की, एक शक्ति थी सुपर पावर जो ज़बरदस्ती इनसे काम ले रही थी। वरना हनी बनाने वाली ये बी को कोई ना कोई जो है ना उसको रिवार्ड मिलना चाहिए था कि इतना बेहतरीन सिरप तुमने बना दिया कि जिसकी नकल जो कर ले वो डॉक्टर कहलाए। तो इसके मान ये है कि जानवर जो खूबियाँ के मालिक है उनको कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए कि खुद हनी बी को या बड़ी बी को ये नहीं मालूम कि मैं जो शहद बना रही हूँ वो कितना शानदार है। वो तो एक शक्ति ले जाती है, फूलों पे बिठा देती है, दूसरी शक्ति उसमें ऑपरेशन करती है, सिरिंज से माल ले लेती है, वो बना देती है। उसे फार्मूला भी नहीं मालूम कि करोड़ों साल से मैं इसी धरती पर एक ही किस्म के डिज़ाइन के मकान में एक ही किस्म का फार्मूला बना रही हूँ। कोई इनाम नहीं मिलता, इसलिए कि आपके किसी एक्टिविटीज़ ने इस चीज़ को जन्म नहीं दिया, एक सुपर पावर ने आपको कंपेयर करके ये काम करा लिया। न पनिशमेंट न रिवार्ड। इंसान को चूंकि इस दुनिया से गुजार कर उस दुनिया में ले जाना था, लिहाजा इसे तरबियत की ज़रूरत थी ताकि इसकी लुक अप कोई कर सके। लिहाजा बाप से यह काम हो नहीं सकता था, इसलिए कि बाप जन्म तो दे सकता है, तरबियत कैसे कर सकता। तरबियत के लिए प्यारी प्यारी मधुर लोरियों की ज़रूरत पड़ती। ये चीखने वाला बाप खतरनाक, ये लंबी दाढ़ी, ये लंबे मूछे, बच्चे को प्यार करता तो वो डर जाता है, या अल्लाह ये घोष कहाँ से आ गया। तो लिहाजा मजबूत इसके सख्त हाथ, उसका नर्म नाजुक बदन, दोनों में कोई समझौता तो नहीं था। तो मालूम हुआ कि मर्द के ये खुदरे खुदरे हाथ बच्चे पालने के लिए नहीं हैं, कुल्हाड़ी उठाने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, मेहनत के लिए। तो इसको मेहनत पे लगा दो
ताकि ये गिजा रोटी कपड़ा मुहैया कर सके, फिर ये बच्चा इसे भेड़िए ले जाएंगे, ये किस पे होगा? तो लिहाजा एक नया जीवन दे दो ताकि उसकी लोरियाँ इसे सुलह सके, उसका नर्म और नाजुक सीना उसको सुकून दे सके, उसके प्यारे प्यारे कोमल हाथ इसको लें, और फिर इस औरत के अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस की क्वालिटी हो ताकि जब बच्चा रोए तो ये सो ना सके, बच्चा भूखा हो तो ये बेचैन हो जाए। मैंने कहा था कि मर्द खा के खुश होता है, औरत बच्चे को खिला के खुश होती है। अब आप उसका नेचर चेंज कर रहे हैं तो फिर नो बेबी पॉलिसी नहीं बनेगी तो और क्या बनेगी? इसलिए कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, वो सोचेगी कि बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो फिर ये फिश एंड चिप मैकडोनल्ड में कैसे मुझे मिलेगा, मुझे चिकन सूप पीना है, इसलिए कि फैशन चला है आजकल, तो अब ये मैकडोनल्ड में जाके पेट भरने की तमन्ना कभी बच्चे को तो नहीं पाल सकती। लिहाजा यूरोप ने जो औरत को डिजाइन दिया उससे सेल्फ सेक्रीफाइस छीन के उसे एक जीवन बना दिया, सेल्फिश आजाद मर्द की तरह डायलॉग बोलने वाली औरत। नतीजा ये हुआ कि ये जिंदगी तो बिता सकती है मगर ये मर्द के राहों में कांटे तो बिछाएगी, कभी सेज के ऊपर कलियां नहीं बिछा सकती। थके हुए मर्द को जहां वो टूट गया था, बॉस की बातें सुन के, जॉब सुनते, मेहनत करके, मुकाबला करके, चूंकि इसको मुकाबला था बाहर, ये इसको फेस करना पड़ता था, हर आदमी वहां पर स्ट्रगल फॉर लाइफ के लिए झगड़ रहा है, इसको भी रोटी छीननी थी, इसको भी कमाना था, तो ये टूटा हुआ आया। अगर घर की चार दीवारी इसको पनाह न देती तो ये अगले दिन काम करने के कभी लायक न होता। दिन भर का थके हुए इंसान को रिस्क तो मिल सकता था, सुकून नहीं मिल सकता था। लिहाजा इस इंसान को जो खुली हुई हवाओं में दूसरों से मुकाबला कर रहा था, उसे घर की चार दीवारी में सुकून की जरूरत थी, प्राइवेसी, जो एक इंसान को डेंटिंग पेंटिंग का एक कारखाना है जहां वो टूटा हुआ इंसान फिर सही हो सके। इसलिए कि जब वो गया था तो दूसरों से मुकाबला था, बास की गर्म निगाहें वो देख रहा था, मालिक की झलकियां सुन रहा था, दूसरों से मुकाबला कर रहा था, आज ही सोच चुका था, टूट चुका था, सुसाइड करने के जरिए सोच रहा था भाग जाओ यहां से। लेकिन जब शाम को थका हुआ आया और दरवाजे पे इसका इस्तकबाल एक मुस्कुराहट ने किया और नर्म आंखें इसकी राहों में बिछने लगी तो ये टूटी हुई जिंदगी फिर असंबल होने लगी और इसको सुकून मिला। अब अगर इस इंसान को कल मैदान में भेजना है फिर मेहनत के लिए तो फिर इसे सुकून की जरूरत है। वो सुकून दे सकता है जो खुद टूटी हुई ना हो, लेकिन अगर ये भी किसी कारखाने में टूटी हुई है, वो भी टूटा हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम कि दो टूटे हुए घर में आएंगे तो वो उधर मुंह फेर के सो जाएगा, वो फिर इधर मुंह के सो जाएगा। अगले दिन की जिंदगी का खुदा मालिक है। अगर ये यूरोप तसल्लियां न देता तो ये कब के भाग चुके होते, मगर वो तो अच्छा हुआ कि टेलीविजन के मीडिया ने फिर इनको तसल्लियां दिए, काम किए जाओ मियाँ, प्रोग्रेस इसी को कहते हैं। तो ये वो लोरियां हैं कि जैसे किसी बच्चे को माँ का दूध तो न मिले, सिर्फ निपिल दे के बहलाया गया हो, तो इसी तरीके से पूरा कल्चर हमारा निपिल दे के बहलाया जा रहा है। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क पेश करता है दुनिया के मशहूर उलमाए किराम की नायाब तकरीरें, दुबई से अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, इंडिया से फेरोज़ हैदर आबिदी, कनाडा से सैयद ज़की बाकरी, इंडिया से अहमद अली आबिदी, इंडिया से एहसान हैदर जवादी, अमेरिका से हसनैन रजब अली, ईस्ट अफ्रीका से मुर्तज़ा अली दीना, कनाडा से सैयद मोहम्मद रिजवी। वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क ने 60 से ज्यादा किताबें मुख्तलिफ मौजूआत पर शाई की हैं।
विन की पेशकर्दा मीनिंग ऑफ इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई की इस्लामिक टीचिंग, सैयद अख्तर रिजवी की जस्टिस ऑफ गॉड, विन की पेशकर्दा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अली मिर्जा की तर्जुमा की वी ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, सैयद अख्तर रिजवी की प्रोफेसिस अबाउट होली प्रॉफेट, अब्दुल हादी साले की लिखी वी लेट अस अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप इन किताबों को मुफ्त हासिल करना चाहते हैं तो फौरन हमें लिखिए। हमारा पता है वर्ल्ड इस्लामिक नेटवर्क, 6769 हजरत अब्बास अलैहि सलाम स्ट्रीट, डोंगरी, मुंबई 9, इंडिया। टेलीफोन 3773648 3700308, फैक्स 3745144।